बर्बाद होगा अरमान और अभीरा का हनीमून। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां आज के एपिसोड की शुरुआत होती है किचन से, जहां अभीरा को विद्या, रूही और मनीषा मिलकर खीर खाने वाली बात पर खरी खोटी सुना रहे होते हैं और उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने रूही का हक खा लिया। अब अभीरा रोते हुए इन सब से माफी मांगने ही वाली होती है कि इतने में उसकी ननद चारू और खियारा वहां पहुंचती हैं और उसे माफी मांगने से रोक देती हैं। अब ये दोनों विद्या और मनीषा को फटकार लगाती हैं और कहती हैं कि अगर वो लोग ये खीर खा लेती तो क्या उन्हें भी ऐसे ही डांटा जाता। अब चारू विद्या से कहती है कि आप अपने एक बहू का ख्याल रखने के चक्कर में दूसरी बहू के साथ ऐसा सलूक तो मत करो। हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि भाभी के दो चम्मच खीर खाने से हम लुट गए। अब चारू और कियारा को अभीरा थैंक्स बोलती है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रूही विद्या और मनीषा दोनों को भड़काती है और कहती है कि कहीं चारू और कियारा भी अभीरा जैसी ना हो जाए। वहीं उधर आप देखेंगे कि चारू को देखने लड़के वाले आ रहे हैं और फूफा सा चाहते हैं कि जब लड़के वाले आए तो अरमान और अभीरा भी वहाँ मौजूद रहे ताकि लड़के वालों को लगे कि हम एक बिग बड़ी फैमिली हैं। वहीं आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अभीरा अपनी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स से परेशान है और उसे बार बार उल्टी आ रही है और उसका कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो बेचारी किसी से कुछ पूछ भी नहीं पा रही है। अब इतने में ही अरमान आता है और उसे गोद में उठा लेता है, जिस पर अभीरा थोड़ी सी भड़क जाती है। अब अरमान अभीरा को हनीमून पर चलने को कहता है, पर अभीरा उसे टालने की कोशिश कर रही है और इसके लिए वो अपनी केसेस की डेट्स इसी हफ्ते तक ट्रांसफर करा रही है। अब ये बात अरमान को पता चल जाती है और अब अरमान को अभीरा पे शक हो रहा है कि अभीरा उससे झूठ बोल रही है और उससे सब कुछ या फिर कुछ तो छिपा ही रही है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि चारू को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। इसके लिए अरमान और अभीरा पोदार हाउस में आए हैं, जहां घर में कदम रखने से पहले ही रूही फूफा सा से अभीरा के बारे में ऊटपटांग बातें बना रही है और वो कह रही है कि ये दोनों जो भी करते हैं हमेशा खराब ही करते हैं। और अरमान और अभीरा रूही की ये बातें सुन लेते हैं। अब अभीरा तो इग्नोर करके वहां से चली जाती है, लेकिन रूही को अरमान एक बार फिर करारा जवाब देता है और कह देता है कि तुम अभीरा से जलती हो। वहीं अब सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि एक तरफ जहां अरमान है जिस बात से परेशान है कि अभीरा उससे कुछ तो छिपा रही है और वो दादी साहब के सामने रो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा अब अरमान को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने का फैसला ले रही है। वेल, अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस प्रेगनेंसी की खबर पर अरमान कैसे रिएक्ट करने वाला है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में होने वाला है काफी सारा ड्रामा। टीवी सीरियल से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।